Hello students, how are you all? Welcome to my online political science class again. Today we are again beginning our journey, okay, on this first chapter, that is political theory and introduction. So students, how far you have understood this concept of political theory? So far we have done the definition, we have done what is politics, we have done what should we study in political theory. Okay, as I have told you earlier, the political theory or political science is a vast subject, and from the vast subject, one part deals with political theory. Political theory deals with different types of concepts. Different types of concepts जो हमें समाज में देखने को मिलता है, what we experience in our day-to-day life, in our specific life, in our general life, okay, in every moment of our life, somehow or the other, we deal with all those concepts of political theory. So political theory is a vast area also, if we can imagine it, okay. So students, today we are taking another area of this chapter, political theory and introduction. So students, let's go to the board and do our lesson. Okay, so students, see, my topic of today is putting political theory to practice. Now, how political theory can be put to practice? हम political theory ये जो concept है, इसको हम कैसे practically हम इसको life में, रोजमर्रा जिंदगी में, day to day life में इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम use करते हैं. So to see all these things, we have to go to the deeper meaning of political theory concepts. Okay, so political theory deals with different concepts like, okay, so main yahan pe likhti hu, political theory deals with what? It deals with concepts. Jaise ki concept mein jaise ki equality, liberty, theek hai, उसको हम लोग फिर क्या नाम से बोलते हैं, लिबर्टी को हम फ्रीडम भी बोलते हैं. ओके, देन मे बी और एक कॉन्सेप्ट में बोलू डेमोक्रेसी, ठीक है, और एक बोलू मैं नेशनलिज्म, उसके बाद सेकुलरिज्म एक्सेट्रा. तो मैंने यहाँ पे एक्सेट्रा क्यों लिखा, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है. सारा कॉन्सेप्ट हम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम एग्जांपल लेंगे इसमें से. ओके, तो देखो कुछ जो कॉमन सा एग्जांपल होता है उसमें मैंने ये जस्ट लिखा, इट डील्स विद इक्वलिटी, लिबर्टी, इसको फ्रीडम बोलते हैं, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो इन पॉलिटिकल साइंस वी स्टडी अबाउट दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स. ओके, तो ये जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है इसको हम सबको नहीं लेंगे. टुडे वी विल ओनली एक्सपीरियंस विद वन कॉन्सेप्ट. ओके, विद वन कॉन्सेप्ट वी विल एक्सपीरियंस एंड वी विल शेयर आवर एक्सपीरियंस सो दैट वी कैन गो एंड फर्दर लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं ये सब कुछ खत्म करके यहाँ पे मैं आई विल गो विद वन कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. मैं कौन सा लेती हूँ, आई विल टेक इक्वेलिटी. ओके, आई विल टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेलिटी बिकॉज इक्वेलिटी इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेलिटी स्टूडेंट्स, इक्वेलिटी मीन्स इक्वल. व्हेन वी आर इक्वल इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी, दैट इज नोन एज इक्वेलिटी. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, सो इक्वेलिटी हैज वेरियस कॉन्सेप्ट, वेरियस एंगल कैन बी देयर. हम इक्वलिटी को बहुत डिफरेंट एंगल से हम उसको पढ़ सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैं एक एक करके देखती हूँ क्या हो सकता है इसमें. ओके, जैसे कि सोच लो इक्वलिटी कॉन्सर्निंग ओके रिलेशनशिप, ओके, नाउ वन एरिया हम पकड़ सकते हैं, कंसर्निंग रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बीइंग्स. नाउ यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ तो आप समझ पाओगे. अभी मेरा इक्वलिटी
इट हैज अ रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन. ओके, तो हाउ? हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं. ओके, डॉक्टर में जाने के समय में हमें देखने को मिलता है कि देर आर सो मेनी रश इन डॉक्टर्स चैम्बर. नाउ ए डेज देर आर सो मेनी डिसीजेस एंड सो मेनी रशेस ऑफ द पीपुल कैन बी सीन इन ए डॉक्टर्स चैम्बर. सो सोच लो कि मैं डॉक्टर दिखाने जा गई मैं वहाँ पे, एंड वहाँ पे जाने के बाद मैं लाइन में खड़ी हूँ, मेरा नंबर 9 है. सोच लो मैंने ऐसे लिया, 9 नंबर है मेरा, एंड एक इंसान जो 15 नंबर में खड़ा है. ओके, तो बहुत सारा लंबा लाइन है, तो 15 नंबर का जो इंसान वो क्या करता है, वो लाइन को तोड़ के ही ब्रेक्स द रूल ऑफ द लाइन, और तोड़ के वो क्या करता है, आके वो जो एक कोई इंसान होता है ना जो हमें डॉक्टर के पास लेके जाता है, कोई एक असिस्टेंट, उसको जाके वो कुछ बोलता है, पैसा देता है या फिर कुछ बोलता है. इसके बाद वो जो इंसान है उसको गलत तरीका से उसको आगे करके उसको डॉक्टर को, डॉक्टर के पास जाने के लिए परमिशन दे देता है. सो अगर इस तरह का एक्सपीरियंस हम देखेंगे या फिर मैं देखूंगी, तो जनरली मेरा रिएक्शन क्या होगा, मुझे गुस्सा आएगा, आई विल शाउट मे बी, मैं ये बोलूंगी शायद कि व्हाई यू आर ब्रेकिंग द रोल ऑफ इक्वलिटी, वी ऑल पीपल आर इक्वल स्टैंडिंग इन द लाइन टू शो आवर इश्यूज, हेल्थ इश्यूज टू द डॉक्टर. ओके, बट यू केम, यू आर स्टैंडिंग इन द रो, और उसके रो में आपका नंबर इज 15, बट यू हैव केम एंड ब्रेक द लॉ एंड हैव एंटर्ड. ओके, देन अस, हमारे हमें हमें छोड़ के वो आगे जाके घुस गया जाके. सो दिस इज ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ इक्वेलिटी. ओके, तो इक्वेलिटी हैज वन एंगल, दिस इज कॉन्सर्निंग रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बींग्स, माई रिलेशनशिप विथ अदर ह्यूमन बींग. उसके बाद और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि सोच लो ये एक एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ से मैं और एक एग्जाम्पल लेती हूँ. इक्वलिटी रिलेटिंग कंडीशंस ऑफ, सोच लो पोर पीपल, इसको हम लोग और एक नाम से भी बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप. ओके, नाउ इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी देर आर सो मेनी पोअर पीपल्स आर देयर. ओके, रिच पीपल दे कैन गेट द फैसिलिटीज वेरी नाइसली. ओके, इवन वी मिडिल क्लास ऑल्सो सम हाउ वी गेट द फैसिलिटी, बट देर आर सो मेनी पोअर पीपल इन ए सोसाइटी हु आर डूइंग डेली वर्क. जैसे कि दे आर वेज अर्नर्स, डेली वेज अर्नर्स, जो डेली काम करते हैं और डेली गुजारा करते हैं. मे बी दे आर लेबर आर, दे आर वर्किंग इन द रोड्स. ओके, दे आर डूइंग सम टाइप ऑफ वेज अर्नर्स, कुछ भी टाइप का वेज अर्नर्स का जो काम करते हैं वो लोग. ओके, सो इस तरह का जो इंसान है उनको बहुत सारे चीज़ों का फैसिलिटीज नहीं मिलता. ओके, सो ये सब फैसिलिटीज मिलने के लिए उनको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है. मेनी टाइम क्या होता है, जैसे कि हमारे इंडिया में देखने को मिलता है स्कीम्स कम्स. ओके, ये नहीं कि गवर्नमेंट स्कीम नहीं भेजता, गवर्नमेंट स्कीम भेजता है थ्रू पंचायत, थ्रू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और वॉट एवर, इन फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल स्कीम कम्स फॉर एवरी पर्सन, कुछ ना कुछ होता है. बट फिर क्या होता है, वो जो चीज़ है वो मटेरियलाइज होते होते समय लगता है. और फिर स्कीम सोच लो आया है 5 लाख का, उसमें यूज होता है 2 लाख, बाकी 3 लाख कहाँ गया पता नहीं. ये 2 लाख में जो होता है, ये 2 लाख में सबको फैसिलिटीज नहीं मिलता यहाँ पे. ओके, तो इसके लिए क्या होता है, वेरी वेरी टाइम दिस पुअर पीपल आर इन ए डिसएडवांटेज्ड पोजीशन. जैसे कि एक योजना है ना, इंदिरा आवास योजना, जैसे कि हाउसिंग, रूरल हाउसिंग का एक योजना होता है जिसके अंदर में लोगों को घर दिया जाता है. ये स्कीम्स में कितने बार आते रहा है और अभी आगे भी आएगा. ओके, तो ये सब की चीजों में, जैसे कि अगर सोच लो मैं अपने बारे में बोलती हूँ, आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग्स, कि दिस थिंग्स सो मेनी पीपल है अप्लाई फॉर दिस हाउसिंग. फिर जो मिलने को होता है, अगर सोच लो 20 इंसान ने उसमें अप्लाई किया तो सिर्फ 5 या 7 को मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता वो सब कुछ. ओके, बिकॉज मे बी मनी शॉर्टेंड और मे बी, और फिर कुछ उन लोग दिखाते हैं कुछ प्रॉब्लम. ओके, सो इस तरह का जो पोअर पीपल है ना, इनको बहुत सारे चीजों का फैसिलिटीज नहीं मिलता. दे आर नॉट इक्वल ऑन ए फुटिंग विद द अदर पीपल.
एक ही लेवल में, एक ही समाज में उनको बहुत सारा फैसिलिटी नहीं मिलता। तो कभी कभी ये होता है, इक्वलिटी को हम दूसरे एंगल से देख सकते हैं कि रिलेटिंग कंडीशंस ऑफ पुअर पीपल हु आर ऑन ए डिसएडवांटेज ग्रुप और पोजीशन। ओके, तो इस तरह का जो डिसएडवांटेज पोजीशन में होते हैं, मेनी टाइम्स दे डोंट गेट द फैसिलिटीज ऑफ द सोसाइटी और गवर्नमेंट दैट इज प्रोवाइडिंग बाय गवर्नमेंट और बाय द सोसाइटी, बिकॉज सिंपली बिकॉज दे आर पुअर एंड दे कैनॉट बी टेकन अप इन टू अकाउंट बाय द सोसाइटी और बाय द गवर्नमेंट मे बी। ओके, सो मे बी समटाइम दे क्राई, sometimes they just feel themselves that they are underprivileged or maybe they are in the disadvantaged position. Okay, so many things may be taken up into account. Okay, so aur ek main example leti hu students, jaise ki soch lo aur ek example mein yahan pe four children not going to schools. Okay, एक example में, इसे मैं example ले रही हूँ, poor children not going to schools. Okay, poor children not going to schools. अभी इसमें क्या हो सकता है, बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं ना, बहुत सारे गरीब बच्चे बहुत टाइम they don't go to schools. The logic behind that was what? That in a particular family there may be only one wage earner. And because of that, that person just earns in a very hard way. बहुत मेहनत करके वो इंसान कमाता है और ये थोड़ा सा जो पैसा है जो कमाता है वो इससे पूरा गुजारा नहीं होता घर का. So many of the children when they just grow up, जैसे कि 14-15 years जब होते हैं लोग, okay, then these minor children are put to work by their family just to get some money by working. Okay, and because of their thing, they don't want the children to go to schools. Okay, तो ये भी एक disadvantage position में हम उसको consider कर सकते हैं. बहुत time हमने देखा है लड़की लोगों को, okay, girls they don't go to schools. Why? In a rural area actually. Why? Because in a particular house there may be parents who are going and working outside. And there are so many brothers and sisters at home, small brothers and sisters. So the a bit grown up girl, that girl has to look after her brothers and sisters or after the house. Okay, so because of their thing, unke family ka concept ye hai, you don't go to school, no need of going to school. Okay, so yahan pe hum equality kahan dikhte hain, us jagah pe aap ek garib jo insaan ka jo main story bola uske opposite mein aap dekho, जो रिच पीपुल दे आर सो मच वेल टू डू इन ए फैमिली, दे गो टू स्कूल, चिल्ड्रन हैव नो प्रॉब्लम, दे जस्ट गो टू स्कूल, व्हेन दे ग्रो अप दे गो टू स्कूल, दे आर गेटिंग सो मच फैसिलिटीज एट देयर होम. ओके, सो कभी कभी ये सब जो हम लोग देखते हैं ना, ये जो मैं थ्री एग्जाम्पल्स लिया है, ये सब कुछ देखने के बाद में हमें मन में हमारा क्वेश्चन आता है, देर आर सो मेनी क्वेश्चन इन अवर माइंड. ओके, द क्वेश्चन इज राइजिंग क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन इज question is, okay, is there equal opportunity, is there equal opportunity for all? ये question है, okay, is there equal opportunity for all? तो आप ये सोचो, ये सब देखने के बाद जब एक समाज में हम देखते हैं, इज देयर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द पीपल, ऑल पीपल आर गेटिंग सेम टाइप ऑफ थिंग्स, इज सोसाइटी ए बैलेंस सोसाइटी इन एन इक्वलिटी बेसिस, सो दिस कॉन्सेप्ट हैज टू बी टेकन इन टू अकाउंट. ओके, तो देयर मे नॉट बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज एवरीबॉडी इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी इज नॉट गेटिंग फैसिलिटीज ऑफ इक्वलिटी. ओके, सो नाउ ये जो चीज है ना, ये जो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, दैट हैज टू बी टेकन अप इनटू अकाउंट बाय डिफरेंट पर्संस, डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट समाज इसको ले सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको ले सकता है, एंड देन जो गवर्नमेंट है, अबव ऑल जो हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैन सी ऑल दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स एंड पुट एवरीथिंग इनटू प्रैक्टिस. ओके, ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट, इसको रियलिटी में देखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद, देन जब पॉलिसी बनाएगा गवर्नमेंट,
that policy has to be taken into account with the benefits given to the poor people. क्या बोला मैंने? जब गवर्नमेंट ये सब रियलिटी को देखेगा, ये समाज का पढ़ेगा, लोगों को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद में उनका जो पॉलिसीज आएगा फर्दर, दैट पॉलिसीज हैज टू बी क्या होगा, बेनिफिट शुड बी गिवेन टू द पोअर पीपुल, डिसएडवांटेज पीपुल, जिसको इक्वलिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी का फैसिलिटी नहीं मिलता. ओके, सो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल थ्योरी में वी स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स. ये सब कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, समझते हैं, फिर हम इसको पुट इनटू रियलिटी, हम उसको रियलिटी में अपने आप पुट करना कोशिश करते हैं कि इज दिस वर्केबल इन ए सोसाइटी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये वर्केबल इन ए सोसाइटी, इफ नॉट देन व्हाई, इफ यस देन व्हाई. ओके, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू टैकल विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट डील इन टू the society from time to time, because we all live in a particular country, state then country, and in this state and in country, government has to take care for all the people because they are responsible for us. Okay, so this is a concept of equality jo maine aapko samjhaya hai. Okay, so students, I hope aapko ye equality ka jo portion hai aapko samajh mein aaya hai. Okay, to बहुत सारा कॉन्सेप्ट से हमने एक कॉन्सेप्ट को लिया है. ओके, और देखा कि ये कॉन्सेप्ट कितना वर्केबल होता है. तो स्टूडेंट्स, अभी मैं ये करते करते मेरे दिमाग में एक आया, व्हाई शुड नॉट वी गो एंड डू समथिंग एल्स आल्सो इन द अदर क्लास. ओके, सो स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट जो है ये समझते समझते आई विल अगेन गो थ्रू अदर कॉन्सेप्ट, जैसे कि सोच लो डेमोक्रेसी. ओके, नाउ दिस डेमोक्रेसी जो है, इस डेमोक्रेसी वर्केबल इन दी सोसाइटी, इसको भी हमें समझना चाहिए और सोचना चाहिए. वर्केबल इन दी सोसाइटी, सबको सब कुछ मिल रहा है डेमोक्रेटिक पैटर्न में. ओके, सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ क्वेरीज स्टिल देयर टू गो. स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बहुत हम लोग नहीं करेंगे. सो टूडे वी जस्ट डील विथ वन कॉन्सेप्ट ऑफ पोलिटिकल थ्योरी, दैट इज इक्वेलिटी. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट थ्रो एंड फॉर टूडे. Okay, thank you.